आज हम एक्सेल में स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक, रोमन नंबर्स। आपको पता होगा गाइस, हमें अगर कभी भी रोमन नंबर्स की जरूरत होती है तो हमें 1, 2, 3, 5, 10 तक तो सीख ही क्या समझ में आ जाते हैं रोमन नंबर। लेकिन उससे आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम रोमन नंबर्स में फंस जाते हैं गाइस, कि मुझे रोमन नंबर्स नहीं पता चल पाते, या किसी को रोमन नंबर नहीं पता चल पाते कि आफ्टर 50 हम रोमन नंबर पर कैसे लिखेंगे। ओके गाइस, तो ऐसे ही हम गाइस इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। अब रोमन नंबर्स, अगर आपको कोई भी रोमन नंबर यूज करने हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे नॉर्मल सीरियल नंबर लिखते हैं, हम सीरियल नंबर की जगह हमारे रोमन नंबर्स आए, बट मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं 59 को कैसे लिखूं रोमन नंबर में, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं 22 कैसे लिखूं रोमन नंबर में, तो गाइस इसकी प्रॉब्लम हमारा एक्सेल सॉल्व कर देता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेल के अंदर अपना एक रोमन नंबर का फंक्शन लगाना होता है, और वो रोमन नंबर का फंक्शन हमारे क्या करता है, रोमन नंबर शो करा देता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं हम इस फंक्शन को हम यूज कैसे करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले हमने इक्वल लगाया और इधर रोमन लिखेंगे। गाइस बहुत छोटा सा फंक्शन है और काफी वैल्यू, काफी इफिशियंट फॉर्मूला है। रोमन लिखा हमने गाइस, ओके, और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। ओके गाइस, अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा, ये 2 है, इसका रेफरेंस चूज कर लिया। गाइस जब भी हम रेफरेंस में काम करते हैं या जब भी हमें कोई वर्क करना होता है और हम चाहते हैं कि नीचे का रेफरेंस अपने आप यूज होता जाए, तो गाइस हमें रेफरेंस चूज करना पड़ता है। अगर आप इसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे गाइस, तो ये देखिए 2 को उसने रोमन नंबर में शो करके दिखा दिया। ओके, अगर गाइस मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ इक्वल और रोमन लिखती हूँ गाइस, ओके, और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा में, अगर अब आप कोई नंबर दे रहे हैं कि ये नंबर शो हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हैं गाइस। मैंने क्या, अब मुझे 30 दिखाई है, 30 कैसे लिखेंगे। ओके गाइस, देखिए गाइस 3 times x आ गया, ये 30 हो गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं गाइस, और हम कोई रेफरेंस भी लिख सकते हैं गाइस। अब ये जो मैंने रेफरेंस लिया था गाइस, इसी को अगर हम ड्रैग कर देते हैं तो देखिए गाइस, ये यहाँ पे इसने रोमन नंबर बनाना स्टार्ट कर दिए गाइस। 1, 2, 4 तक तो हमारे नंबर, 1, 2, 1, 2, 3 तक तो हमारे ये लाइंस चलते हैं, 3 times ऐसे लाइंस आ जाएंगे। लाइक ये 1 के लिए होता है गाइस, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया गाइस, और ये 3 हो गया। ओके, इसके बाद सॉरी गाइस, ये 3 हो गया। ओके गाइस, ये हो गया। और फिर जब हम 4 पे जाते हैं तो गाइस हमारा ये 4 हो जाता है गाइस, लाइक ये 4 है गाइस, 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 हो जाएगा, ये 5 आ गया। और 6 के लिए जाएंगे गाइस, तो ये 6 हो गया। और 7 के लिए जाएंगे गाइस, तो ये 7। और 8 के लिए जाएंगे गाइस, तो ये 8 हो गया गाइस। ओके, फिर 9 पे जब आते हैं गाइस, तो हम इधर ऐसे 9 लिख देते हैं कि इधर, और ये 9 हो गया। ओके गाइस, ऐसे ही फिर 10 के लिए ये 10 आ गया। इसके बाद फिर ऐसे ही आगे हमारे 10 के साथ काउंटिंग चलती जाती है, 1, 2, 3, 5 यही वाले। लेकिन जब गाइस हम 50 पे आते हैं तो हमारी काउंटिंग कैलकुलेशन हो जाती है चेंज। देखिए गाइस, 50 पे आने के बाद हम कहाँ पे आ गए, एल आ गया। ओके, और फिर इसी के अकॉर्डिंग आगे नंबर चलते जाते हैं। तो ऐसे 1000 पे, 100 पे आएंगे गाइस, तो 100 के बाद अगेन हमारा नंबर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही गाइस हमारे रोमन काउंटिंग होती है। आप कोई भी नंबर आप देखना चाहते हैं रोमन काउंटिंग में, तो हम यहाँ पे रोमन काउंट, रोमन नंबर लगा के रोमन फंक्शन शो कर सकते हैं गाइज। इससे आगे अगर आपको हमारी और भी कुछ एक्साइटिंग वीडियोस, एक्साइटिंग फंक्शंस चाहिए, तो गाइज आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।